हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, एक ब्लॉकिंग सिचुएशन है, आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं हैं। आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं, क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा या नहीं? लच्ची हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी लाइफ में वापस आएंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी लाइफ में वापस आएंगे? प्लीज सेंड अस अ स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए क्या मेरे व्यूवर के पर्सन उनकी लाइफ में वापस आएंगे। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपकी लाइफ में वापस आएंगे जो जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका है, एक सेपरेशन हो चुका है, और जिनके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हैं, क्या वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे? आप उस पर्सन को सोच सकते हैं जिसके साथ आपका आपकी एंडिंग हुई है। ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है, चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे जिनके साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है। सेवन ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस पर्सन का कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे या आपकी तरफ एक एक्शन ले। आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ एक सक्सेस विक्ट्री। सिक्स ऑफ पेंट के साथ आपको इंतजार है, आपको होप है, आपका इंट्यूशन कहता है ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएगा, ये पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेगा। आपका यहाँ पर दिल कहता है वो आ रहा है, वो एक्शन लेगा ज़रूर, क्योंकि आपका फेथ है डिवाइन पे। आपको ऐसा लगता है कि ये अभी अनफिनिश्ड सिम्फनी, मतलब कि यहाँ पर एक कुछ है यहाँ पर जो अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है? यहाँ पर कंप्लीशन नहीं आया इस रिलेशनशिप का। आप सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहता है, आना जाना लगा के रखता है, ठीक है? लेकिन आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ एक आप सक्सेसफुल लाइफ देखें, सक्सेसफुल रिलेशनशिप देखें, जहाँ आपको स्टेबिलिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले। आप एक कंप्लीशन की तरफ जाना चाहते हैं इस पर्सन के साथ। लेट्स सी, चैरियट, ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहता है लेकिन ड्यूअल एनर्जी में है, ठीक है? ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है, ये ड्रीम देखता है आपके साथ टेन ऑफ कप्स के, लेकिन कुछ पास्ट है जिसको हॉन्ट करता है, जो कुछ पास्ट है आप लोगों का जिसकी वजह से ये आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा। इसने पास्ट में कुछ ना कुछ गलत डिसीजन मेकिंग करी है, इसके पास चॉइसिस थी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करता है, ये अपना लव आपके लिए होल्ड बैक करता है, अपनी केयर आपके लिए होल्ड बैक करता है, ये आपकी फिक्र करता है, इसकी लाइफ में आपकी वैल्यू है, ठीक है? लेकिन ड्रीम्स में ये आपको हमेशा मतलब कि एक ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में ही सेटिस्फाई हो जाता है, एक ड्रीमिंग वे में ही सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, जैसे आप इसके पास हैं और आप इसके साथ हैं, उसी में एक सेटिस्फेक्शन फील करता है। एक्शन लेने के बजाय अपनी एक ड्रीमी वर्ल्ड में सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ, आप इसके पास हैं। एक जो इमेजिनेशन है उसमें ही आपको एक इमेजिनेट करके खुश रहता है कि आप इसके हैं और इसके साथ हैं, और आपकी और इसकी फैमिली है, आप आगे आप अच्छी अपनी और आप और ये एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं इन फ्यूचर, ठीक है? मतलब कि इसने कुछ पास्ट किया है, पास्ट में ऐसा किया है जो इसको हॉन्ट करता है, जिसको आपकी तरफ आने से रोकता है, ठीक है? ये आपकी तरफ आना तो चाहता है लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहा, एक डिटरमाइन नहीं हो पा रहा आपकी तरफ किसी एक्शन लेने के लिए। ये चैरियट, इसका दिल दिमाग आपकी तरफ है, अपने पैशंस अपने आप को कंट्रोल करता है आपकी तरफ आने के लिए, बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैशंस हैं आपके लिए, मोहब्बत है, प्यार है, केयर है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाना तो इसको एक डिस्टर्ब कर देता है अंदर से, एक टूट फूट का शिकार कर देता है, एक्शन लेना चाहता है, इसको पता है आप इसके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है? टू ऑफ कॉइन्स, एक जगलिंग फेज में है, बहुत ज़्यादा डायलेमा में है, इसको नहीं पता यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखिए, फोर ऑफ कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसको किस तरीके से आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। कंफ्यूज इसलिए इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब कि इसकी प्रायोरिटीज़ हैं, इसकी लाइफ में इसकी जॉब फैमिली कोई ना कोई चीज़ है जो इसकी ज़िंदगी में हमेशा प्रायोरिटी ले जाती है। मतलब कि आप प्रायोरिटी जब ये आपको बनाना चाहता है, जब ये बना रहा होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ इसकी लाइफ में है जिसके साथ आपको जगल करता है। ऐसा हो सकता है फैमिली रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, फैमिली प्रेशर हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमेशा आपके साथ किसी चीज़ को जगल करता है। ऐसा हो सकता है ये एक मल्टी टास्कर नहीं है, अपने अपना इमोशंस और अपना प्रैक्टिकल वे एक साथ नहीं चला सकता। इसको ऐसा लगता है कि लव और मैरिज और शादी और प्यार सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, लेकिन अभी मैं कैरियर बना लूँ, अपने कैरियर पे फोकस हो जाऊँ, अपने कैरियर को वक्त दे दूँ। एक कंफ्यूज वाली स्टेट है, एक ड्रीमिंग वाली स्टेट है, मतलब कि अपनी इमेजिनेशन में ही कंप्लीट है ये पर्सन। अब जब ये इमेजिनेट करता है, खुद को सेटिस्फाई करता रहता है, मतलब कि आप इसके साथ हैं, आपकी और इसकी लाइफ है,
और फिर होल्ड बैक करता रहता है, आपसे बहुत बहुत कुछ छुपाता है, आपसे अपने पैशंस, अपना लव, अपने इमोशंस सब होल्ड बैक करता है, सब कुछ आपको क्लियरली नहीं बताता, आपके सामने हर बात क्लियरली नहीं रखता। सबसे पहले तो कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, एक बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में, आपको अपनी पावर में देख रहा है ये पर्सन, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपको अपनी पावर में देखता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। क्या ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा? मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको नहीं सोच रहा, सोच रहा है मैरिज करना चाहता है ये आपसे, ये खुद पॉप आउट हुआ ये कार्ड, ये आपकी आपके साथ मैरिज करना चाहता है, यहाँ पे हैरोफेंट, लेकिन हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे इसको ऐसा फील होता है कि ये चीज़ इस वक्त पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसा हुआ है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी कोई मिस्टेक की वजह से, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसको विजडम तो गेन हो रहा है, इसने क्या चीज़ ख़राब करी है, इसने ऐसा पर्सन को, ऐसा अपना रिश्ता ख़राब करा है कि जिसके साथ ये मैरिज कर सकता था, इन फ्यूचर इसकी लाइफ बिल्ड हो सकती थी, जिसके साथ ये ख्वाब देख सकता था अपने, जो पूरा करना चाहता है, एक सिंपल और एक अच्छा इंसान इसने खोया है अपनी एक नादानी की वजह से, अपनी एक इमेच्योरिटी की वजह से। हार्ट ब्रोकन है, खुश बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसका वेट कर रहे हैं, ये अभी भी अपनी लाइफ में मगन है, ये अपनी चीज़ों में गुम है, ये एक सोशल मीडिया पे आप इसको देखते हो तो आपको ऐसा लगता है ये बहुत खुश है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसको सब कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहता, ये छुपाना बहुत अच्छे से जानता है, इससे इसको क्या दिखाना है इसको पता है, इसको क्या बताना है इसको पता है, और सबसे ज़्यादा ये एक अंदर से बिखरा हुआ इंसान है, ये इसलिए इमेजिनेशन में खुश रहता है, कुछ ना कुछ है जो स्टॉप कर रहा है आपकी तरफ आने से, एक पास्ट हो सकता है, कोई ना कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, और कुछ इसने नेगेटिव कर दिया है जो आपके सामने कन्फेस करने से डर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको पता है आपका नेचर भी जानता है और अपना भी नेचर जानता है, मतलब इसको पता है अगर इसने ये सब चीज़ें कन्फेस कर ली आपके सामने, अपनी मिस्टेक्स को इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये सिचुएशन वैसे भी जानी है, तो अपनी रिस्पेक्ट रखकर इस चीज़ को हाइड करना ज़्यादा बेहतर है, इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है, ठीक है, मतलब कि आपको फेस करने का स्टेमिना नहीं है यहाँ पर इस पर्सन के पास। क्या ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा? प्लीज आंसर स्पीड गाइड, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेगा? फूल, बिल्कुल, ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है आपकी तरफ, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है आपकी तरफ, कोई एक्शन लेना चाहता है, जजमेंट, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होगा, वर्क करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, रिस्क टेकिंग करना चाहता है, आपके साथ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर एक जजमेंट है, एक सेकेंड चांस, एक न्यू बिगनिंग, यहाँ पे वर्क पुट ऑन करना चाहता है, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, मतलब कि एक अब बैलेंस बनाना चाहता है, अब जो बैलेंस बनाने वाला इसका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता जा रहा है, ये अब अगर इसको इतना इसने स्टेमिना गैदर कर लिया, अगर इसके अंदर इतना स्टेमिना आ गया कि आपको फेस करता है, आपको प्योरिटी बनाता है, तो ये आपकी तरफ ज़रूर आएगा सेकंड चांस के लिए, ये सेकंड चांस लेना ज़रूर चाहेगा आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। सन, इसके पास क्लैरिटी है इन सब सिचुएशंस को लेकर, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, ये अब जानता है इसको क्या डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है, ये आपके पास वापस आना चाहता है और इसके पास क्लैरिटी है, अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, इसको पता है इसका तरीका गलत था आपको अप्रोच करने का, पास्ट में जिसने इन एंड आउट करा, इसने आपका ट्रस्ट खो दिया है, इसने जिस तरीके से आपको डील करा, जिस तरीके से इसने आपके साथ बिहेव करा, ये बहुत कुछ खो चुका है, आप इसको एक इमेच्योर पर्सन की तरह देखते हैं, आप इसको एक लायर की तरह देखते हैं, आप इसको एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन की तरह नहीं देखते कि आप ट्रस्ट कर सकें, जिसके साथ फ्यूचर देख सकें, ठीक है, ये चाहता है कि उस सिचुएशन से ये रिश्ता निकले, कामा ऑटो की तरफ मूव करे, क्योंकि इसके पास काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है कि ये आपके साथ क्या चाह रहा है, ये आपको क्यों चूज़ कर रहा है, इसको आपके साथ क्या चाहिए, पास्ट में क्लैरिटी नहीं थी, पास्ट में इसका ये इमेच्योर था, बिल्कुल इसको जहाँ बेनिफिट्स दिखते थे वहाँ एक्शन लेता था, जहाँ इसको लगता था कि हाँ मैं यहाँ सेटिस्फाई हूँ, मैं खुश हूँ, तो मैं वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ, सामने वाले को क्या फील हो रहा है उसकी कोई इसको खबर नहीं थी, उसको खबर रखना भी नहीं चाहता था, एक इन एंड आउट सिचुएशन थी, जहाँ कहीं और से दिल भरा आपकी तरफ आ गया, जहाँ आपसे दिल भरा तो कहीं और चला गया, मतलब कि इस टाइप की सिचुएशन थी, अब चाहता है कम ऑर्डर की तरफ मूव करना है, क्योंकि इसने एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है, एक्सप्लोर कर कर आया, इसने एक्सपीरियंस करा है कि आपसे ज़्यादा स्टेबल और एक सेंसिबल पर्सन नहीं है कोई और, जो इमोशनली इसको इसको संभाल सकता है, जो इसकी केयर कर सकता है, ठीक है। नाइन ऑफ कॉइन्स, सिंगल है अभी, किसी और के साथ कमिटेड नहीं है, अगर आपको जगल भी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा अपनी ऐसी चीज़ों में जगल कर रहा है जो इसके माइंड में एक ड्यूलिटी बनाई हुई है,
किसी पर्सन के साथ आपको जगल नहीं कर रहा, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, वर्क पे काम कर रहा है, अपनी वर्क प्लेस को ध्यान दे या आपको दे, मतलब कि यहाँ पर ये जो भी जगल कर रहा है अपनी फैमिली में से या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में से, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इतना समझ में नहीं आ रही, थर्ड पार्टी का ये समझ में नहीं आ रहा, डिसीजन मेकिंग लेना इसके लिए मेन इशू है। यहाँ पर क्लैरिटी इसके पास है, बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है, इसको आपके साथ क्या चाहिए, इसको आपके साथ नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी है, इसको ये समझ में आ गया कि आप यहाँ पर अब ये जो एक छोटा सा एक गेमिंग वे में आप नहीं आने वाले, मतलब कि आप एक गेम इसके साथ खेलने नहीं वाले, अगर ये कोई भी माइंड गेम प्ले करेगा तो आप इस सारे गेम्स को पहले से ही आप समझ चुके हैं, जो जिस तरीके से आपके साथ खेल चुका है, इसको पता है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, अगर मुझे यहाँ कुछ चाहिए इस पर्सन से, यहाँ पे कुछ स्टेबल प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इधर ये सोच रहा है, अभी सिंगल है ये। टू कार्ड से मुझे एक कार्ड चाहिए, फोर ऑफ सोर्ड, बहुत ज्यादा सोच रहा है कमिटमेंट के बारे में, शादी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, हेरोफेंट का कार्ड है, बिल्कुल बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपकी तरफ रश करना चाहता है, मैरिज के लिए माइंड प्रिपेयर कर रहा है, माइंड बना रहा है, शादी करनी है, आगे बढ़ना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, फैमिली बनानी है, आगे की तरफ स्टेप लेने हैं, बहुत कुछ सोच रहा है इस रिश्ते के बारे में, बहुत ज्यादा सोच रहा है, कमिटमेंट चाहता है, शादी चाहता है और चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, क्या चल रहा है इस वक्त, लेट्स सी, हम देखते हैं इस वक्त क्या चल रहा है, किसी टावर मोमेंट से गुजर रहा है ये पर्सन, किसी रियलाइजेशन से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा इसको हर चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसको आपका जाना इसकी लाइफ में कैसा इफेक्ट डाल रहा है, सब कुछ रियलाइजेशन पे है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है इसको, बस ये चीज़ समझ में अगर आ रही है, अगर मैंने डिसीजन मेकिंग कर लिया तो मुझे यहाँ क्लैरिटी मिल सकती है, मुझे यहाँ पर फ्यूचर देखने को मिल सकता है, अगर मैं यहाँ डिसीजन मेकिंग करता हूँ, मैं अगर कन्फ्यूजन से बाहर आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक रियलाइजेशन है, यहाँ पे एक डिस्टर्बनेस है, जो बहुत ज़्यादा इसका माइंड डिस्टर्ब था वो क्लियर होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की तरफ जाता जा रहा है, ठीक है, क्लियर, मतलब कि क्लियर हो रहा है, एक एक सडन रियलाइजेशन है, सडन एक जैसे यहाँ पर इसको समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए था, ये चाह रहा है कि यहाँ पर चीज़ों को सही करना, जो एक टावर मोमेंट आप लोगों के बीच आ चुका है, चीज़ें जो एंड हो चुकी हैं उसको दोबारा रीबिल्ड करना चाह रहा है, रिपेयर करना चाह रहा है इस टावर मोमेंट को, ठीक है, ये वापस आना चाहता है, बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहा है, क्लियर है, मैं बार बार कह रही हूँ इसको न्यू बिगनिंग करनी है, हील हो रहा है, डिवाइन से प्रेयर कर रहा है कि इसको एक चांस डिवाइन और प्रोवाइड करे जिसमें ये अपना बेस्ट आपको प्रोवाइड कर सके, जिसमें ये आपको एक ईजी अपने साथ रिलेशनशिप बनाने का मौका दे सके, क्योंकि ये भी चाहता है, पता है क्या यहाँ पर क्या है, सब कुछ देख दाख के आ गया, आपसे बेहतर, आपसे पीसफुल पर्सन, आपसे सकून, जिससे सकून मिले वो ऐसा इसको ऐसा कहीं नहीं मिला, ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़वी जबान के हो सकते हैं, आप यहाँ पर मतलब कि आपका इस पर्सन से कम्युनिकेट करने का तरीका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कड़वा हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक कट छोटा, आपके अल्फाज थोड़े से तीर की तरह लग सकते हैं, लेकिन आपके अंदर ये बात ज़रूर है, आप क्लियर रहते हैं, आप क्लियर रहते हैं, आप ना सामने वाले को डायलेमा में रखते हैं, ना आप खुद किसी डायलेमा में रहते हैं, ठीक है, आप क्लियर रहते हैं, आपकी ज़ात एक क्लियर कट बात करती है, चाहे वो आप तकलीफ दे, चाहे वो आप पेनफुल लगे, चाहे आपका कहने का तरीका गलत लगे, लेकिन ये पर्सन सोच रहा है कि आप वक्ती तौर पे आपकी बात बुरी लग सकती है, लेकिन जब इंसान आराम से सोचे तो आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, ठीक है, मतलब कि ऐसी क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को आपको लेकर, इस सब क्या सोच रहा है ये पर्सन आपका, फिलहाल ये सिंगल है, आप ये मत समझें किसी थर्ड पार्टी को डील कर रहा है, ये सिंगल है, ये उन लोगों की रीडिंग है जिनके पर्सन सिंगल है इस वक्त, ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिल्कुल ये चाहता है कार्मिक साइकिल एंड हो, या आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है एक विक्ट्री के साथ इस रिलेशनशिप में, ये किसी कार्मा को एंड करना चाहता है, इस रिश्ते में जो कार्मा चल रहा है उसको खत्म करना चाहता है, ठीक है, इसको समझ में आ रहा है यहाँ पर कुछ कुछ नेगेटिव है, जो वो एक ही साइकिल चले पे चले जा रही है, आपने तो खुद को चेंज कर लिया, ये खुद में भी चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, ये स्ट्रक है आपके ऊपर, इसको पता है ये आपके अलावा किसी और को कोई और इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, आपके साथ रिकनसाइलेशन चाहता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है एक रिकनसाइलेशन के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए, इसके माइंड में एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, डीप थिंकिंग कर रहा है, डीप एनालाइज कर रहा है, इसको आप चाहिए, बिल्कुल आपके साथ चाहता है एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप यहाँ पर, ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप यही है, आपके बारे में एक स्टेबल होकर सोच रहा है, इसको पता है इसने यहाँ पर वर्क पुट ऑन नहीं किया है, बिल्कुल
यहाँ पर ये काम करेगा, इस रिश्ते में आप इक्वल गिव एंड टेक करेगा, आपको वो देगा जो आप डिजर्व करते हैं। नाइन ऑफ सूट, इसको पता है जो कुछ भी हुआ है इसकी इमेच्योरिटी की वजह से हुआ है। यहाँ पे जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में डिस्टर्ब हुआ है, अगर इसका एक फ्लर्टी नेचर था जो बार बार ही लोगों को एंटरटेन करता था, उसने इस रिश्ते को खराब करा है। ये जानता है, ये अब वो गलती दोबारा नहीं करेगा, वो गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक इसीलिए नहीं कर सका क्योंकि यहाँ पर ये अपनी लाइफ में और भी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहा था पहले। ठीक है, फिलहाल आप काम और ऑर्डर की तरफ मूव करना चाहता है और आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। इसका माइंड है आपके साथ कम्युनिकेट करना, एक न्यू साइकिल बिगिन करना। ठीक है, एक न्यू साइकिल बिगिन करना जिसमें बहुत जैसे पास्ट में कंफ्यूज रहा है, वो कंफ्यूजन खत्म कर रहा है अपनी लाइफ की। ठीक है, एक बिगनिंग ला रहा है। बिल्कुल, आपको यहाँ पर एक विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। यहाँ पर ये चाह रहा है आपके साथ एक फैमिली, हैप्पी फैमिली, टेन ऑफ कप्स के साथ एक हैप्पी फैमिली, एक रीबर्थ। ठीक है, यहाँ पर अगर जो चीज़ खत्म हो चुकी है उसका रीबर्थ चाह रहा है। बिल्कुल, ये लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये कंट्रोल करेगा, जब आपसे मैरिज तो करेगा लेकिन ये आपको कंट्रोल करेगा। ये आपका काउंटर पार्ट है, दी एम्प्रेस और दी एम्प्रो, आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। ये आपको कंट्रोल करेगा, डेथ एनर्जी, बिल्कुल डेविल एनर्जी, एक कंट्रोलिंग एनर्जी, इसका कंट्रोलिंग बिहेवियर रहेगा। चाहे आप इसके साथ मैरिज कर लें, किसी भी वे में आ जाए, लेकिन यहाँ पर आपको इस पर्सन का कंट्रोलिंग बिहेवियर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसके अगर आपके माइंड में इसको लेकर कॉम्प्लिकेशन है, एक बर्डन सम सिचुएशन है, उसको खत्म करें। ठीक है, आप क्लियर हो जाए, खुद को हील करें। यहाँ पर आप इस वक्त स्ट्रेंथ में हैं, आपने बहुत ज़्यादा अपने पास एक स्ट्रेंथ गैदर करी हुई है सिचुएशन को लेकर। आप बहुत ज़्यादा अब मुझे डिस्टर्ब नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आप क्लैरिटी चाहते हैं इस सिचुएशन को लेकर। वेट, अब देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या है, डिवाइन यहाँ पर क्या चाह रही है कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेट्स सी, हम चेक करते हैं। पीस एंड स्पीड गाइड मेरे व्यूवर के लिए, मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए। पीस एंड जस्ट एंड स्पीड गाइड, यहाँ पर आपको जो स्ट्रॉम आया है, जो भी आप लोग के बीच एक नेगेटिविटी आई है उसको एंड करें। ठीक है, आप एक हार्मनी की तरफ मूव करें, उस एंडिंग से खुद को बाहर निकालें, उस नेगेटिविटी से खुद को बाहर निकालें, खुद को प्योरिटी दें, स्टैंड करें और अपने आप को आप प्योरिटी दें और एक रेवोल्यूशन पे जाएं। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना है। अगर ये पर्सन आता है तब भी, नहीं आता तब भी। ठीक है, आपका जो आप जो अपने राइट्स के लिए बात कर सकते हैं, अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा आपके अल्फाज बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है आपने आपके साथ कहाँ गलत हुआ, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो आप वो सारी बातें लिखें, इसको मतलब लिखें मतलब इसको बताएं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक पीसफुल तरीके से, एक बहुत आप अपनी बात सारी कहें। डिवाइन ये नहीं कह रहा कि आप खुद में जो चीज़ आपके अंदर चल रही है वो गुबार बन रही है, आपको अपनी अपने अंदर की भी बातें निकालना ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं बोल सकते तो कहीं लिख दें, कहीं जैसे आप डायरी जर्नल वगैरह में कहीं लिख दें, उसके बाद उसको वेस्ट कर दें, क्योंकि आपके अंदर कुछ है जो चलता रहता है, जो आपके अंदर एक नेगेटिविटी इसके लिए बनाता रहता है, इसने कुछ ना कुछ आपके साथ पास किया जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं, डेंजर। देखिए, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर किसी नेगेटिव जोन में है। आपको यहाँ पर अब वो पीस नहीं मिला जिस जिस पीस को सोचकर आप आए थे। ठीक है, आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, खुद को हील करें। यहाँ पर अगर आप इस पर्सन ने पास में भी, अगर मुझे अभी लग रहा है ये बहुत ज्यादा इसका कंट्रोलिंग नेचर है, जिससे आपने कंट्रोल होने के बावजूद आपने हर्ट्स को, आपको हर्ट मिले, जिसका पेन आपके दिल में है, जिसकी तकलीफ आपके दिल में है, आपने हर काम के लिए इससे अप्रूवल ली, लेकिन अब आपको यहाँ पर आप एक इंडिपेंडेंट हैं, आपको इससे अप्रूवल लेने की किसी भी पॉइंट पे जरूरत नहीं। डिवाइन बोला आप अपने साथ, आप अपने लिए वो करें जिसमें आप खुश रहते हैं। ठीक है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बिल्कुल आप अपने सेल्फ के साथ ऑनेस्ट रहें। ठीक है, यहाँ पर पेशेंस रखें, आपके आपके लिए सारी क्लैरिटी आपके सामने आ रही है, जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब खत्म होगी, क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और हर चीज़ आपकी फिक्स होने वाली है, इन फ्यूचर जो भी आप लोगों के बीच नेगेटिविटी थी वो सब एक फिक्सिंग पॉइंट पर जाने वाली है, हर चीज़ फिक्स होने वाली है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। ठीक
ठीक है, कोई भी किसी को, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है कि आपको कोई फिक्स करे, कोई आपकी प्रॉब्लम्स को फिक्स करे, या कोई आपको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन दे. आप अपनी सेल्फ के साथ कंप्लीट हैं. ठीक है, कम होम टू योर सेल्फ. तो आपको एक अपनी सेल्फ के साथ, अपने अपने आप, अपनी जो आपकी ज़ात है उसमें कंफर्टेबल हो जाए. आपको किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आपको कोई समझाए, या आपको आपकी लाइफ में कोई इमोशनली आपको आपको कोई सहारा दे, या आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो. नहीं, आपको इंडिपेंडेंट होना है. ठीक है, इस रीडिंग को ये रखते. रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें. एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें. लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. थैंक यू.